मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की धनराशि को डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया, जिसमें गोरखपुर जनपद के 285 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं 496 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की धनराशि उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समूह की महिलाओं को संवाद कर उनका हौसला अफजाई भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समूहों को उपलब्ध कराई गई धनराशि से समूह से जुड़ी महिलाएं कमर्शियल सब्जी की खेती, टेलरिंग, अगरबत्ती, अचार मसाला निर्माण, सोलर लैंप, दुकान खोलकर कोरोना संक्रमण काल में स्वयं को स्वरोजगार से जोड़ सकेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अनूप सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव गृह सूचना श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव ग्राम विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी, आयुक्त ग्राम विकास श्री के रविंद्र नायक जी, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री सुजीत कुमार जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण एवं उपस्थित साथियों जी, वो कह रहा हूँ कि 60 पैसा हम लोग का उसमें 5 रुपया एक बॉक्स में मिलता है लाइट का। हाँ, अब उसमें एक काम करना, दो मास्क मिलाकर के 10 रुपए में बेचिए और जो पैसा बाकी होगा वो सरकार देगी आप लोगों को, ठीक है जी। इससे ज्यादा लोगों तो मास्क भी दे देंगे और उसका लाभ भी आप लोगों को मिल जाएगा जी। जो मास्क आप पहने ये सब आपने आप लोगों ने स्वयं बनाया है जी? हाँ सर जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है। तो मास्क कहता है हमें भी दे होते तो हम लोग भी अभी मास्क पहने होते। अच्छा है, सुंदर है, बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके पूरे समूह को। 1,10,000 रुपया आपके समूह के खाते में जा रहा है रिकॉर्डिंग। इसका जो है जो कॉम्युनिटी जो इन्वेस्टमेंट फंड है शेयर जो है वो आपके अकाउंट में जा रहा है पैसा, ठीक है ना जी। और बाकायदे बहुत खूब मेहनत से काम करिए आप लोग सब, बहुत अच्छा रहेगा उसका। सर मैं अम्बे माँ अजीविका स्वयं सहायता समूह से की अध्यक्ष हूँ। हमारे समूह में 11 लोग हैं। जी हम प्रमुख स्थानों पर करिए, प्रशासन से भी हम कहेंगे कि जो अच्छे मास्क आप लोग तैयार करेंगे तो इसमें सरकार भी आप लोगों को। गमछा तो बड़ा होता है, मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता निकल सकता है और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ। आज जो स्वयं सहायता समूहों के संबंध में एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीसी की गई है और आज के दिन में ये कार्य किया गया है कि जो हमारे समूह हैं सभी जनपद और पूरे प्रदेश के, उनमें जो रिवॉल्विंग फंड और CIF फंड जो है उसको एक मुश्त रूप से दिया गया है जो जो ग्रुप इसके लिए एलिजिबल थे। मैम यहाँ पे कितने जनपद में? हमारे जनपद के कुल आज 285 ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है और 496 ग्रुप को CIF दिया है, जिसको एक बटन के क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन सभी ग्रुप्स के खातों में ट्रांसफर किया गया है।